आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली में पेट्रोल पंप हड़ताल पर 400 पंप बंद। अजीत जोगी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, पहले किया था ना लड़ने का ऐलान। रक्षा मंत्री की दो टूक, आतंकवाद के खिलाफ उठाएंगे कड़े कदम। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी बिगुल, समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान शुरू। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाया सवाल। नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज में। अब खबरें विस्तार से। तेल की कीमतों पर वैट कम करने की मांग के साथ आज दिल्ली के 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन हड़ताल पर हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही तेजी के खिलाफ दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने राजधानी के सभी पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए बंद रखने की घोषणा की है। इस हड़ताल के कारण मंगलवार सुबह से ही सभी पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पंप पर कर्मचारी तो पहुंचे लेकिन काम बंद रहा। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने कहा कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले से इससे संबंधित शिलापट लगाया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी साल में दूसरी बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आजाद हिंद सरकार के 75वें वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता और भारत को देखने के लिए वो विदेशी चश्मा नहीं होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बताने के लिए देश के अनेक सपूतों को, वो चाहे सरदार पटेल हों या बाबा साहेब अम्बेडकर हों, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का प्रयास किया गया है। लाल किले पर ध्वजारोहण का ये अवसर आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। ये वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है।
प्रधानमंत्री ने बोस के विजन को याद करते हुए कहा कि नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। भारत अनेक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 130 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना सुभाष बाबू ने भी की थी। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से प्रांतीय आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उस समय 11 देशों की सरकारों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। उस सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आतंकी संगठनों की गतिविधियों को बाधित करने और रोकने के लिए भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी कदम उठाए जाएंगे। सिंगापुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के सीमा पार के आतंकवाद का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे करीबी पड़ोस में आतंकी ढांचे को खड़ा कर आतंकवाद को समर्थन दिया जा रहा है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता पर आतंकवाद के मंडराते खतरों को इंगित किया, पाकिस्तान का नाम लिया, बगैर सरकारी नीतियों में आतंकवाद को हथियार बनाने की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी मशीनरियों के हाथों हिंसा का अपरोक्ष युद्ध छेड़ने से हालात और ख़राब हो गए हैं। आसियान देशों की बैठक में सीतारमण ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय संतुलन के लिए हमारे समुद्रीय क्षेत्र खुले और सुरक्षित होंगे ताकि एकीकृत व्यापार को स्वीकार किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत भोपाल में बीजेपी कार्यालय से की। शिवराज सिंह चौहान ने मेरा सुझाव मेरा चुनाव की तर्ज पर अभियान में जनता की भागीदारी की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संबित पात्रा, प्रभात झा, विनय सहस्त्रबुद्धे समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए चुनावी रथों को भी शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। चुनावी रथ जनता के सुझाव के लिए सभी जिलों में मौजूद रहेंगे। जनता अपने सुझाव SMS, व्हाट्सएप और पर्चे के माध्यम से शिवराज तक पहुंचा सकेंगे। शिवराज ने यह भी कहा कि जो कार्य उन्होंने अभी तक किए हैं वो जनता के सुझावों से ही किए गए हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना, सभी में जनता के सुझावों को लिया गया था। शिवराज सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की गिनती से उबारा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था, आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की गिनती में शुमार हो गया है। शिवराज सिंह का ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में सरकार में आने का अवसर दिया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर थी। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुनियादी रूप से सक्षम बनाया है। अब मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी है। इससे पहले भी आप सबको ध्यान होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भिन्न भिन्न वर्गों की पंचायतों का आयोजन किया था। उन पंचायतों में जो सुझाव आए उनके लिए वर्गवार योजनाएं बनाई, उनका क्रियान्वयन किया और उस क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% से ऊपर है और मध्य प्रदेश बुनियादी रूप से पूरी तरह सक्षम हो चुका है। अब 2018 का चुनाव है और इसलिए मध्य प्रदेश को हम समृद्धता की ओर ले जाना चाहते हैं। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है कि मेरे प्रदेश का हर व्यक्ति समृद्ध हो और जब हर व्यक्ति समृद्ध होगा तो मध्य प्रदेश स्वतः समृद्ध हो जाएगा। वो एक उन्होंने सपना देखा है, उसको आज साकार करने जा रहे हैं। उन्होंने एक मिस कॉल भी हमारे पार्टी ने दिया है, 7304-7304, इस पर आप मिस कॉल दीजिए और अपने सुझाव दीजिए। पूरे वर्ष भर 14 साल में लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने जनता के सुझाव पर अमल किया है, उसको अमली जामा पहनाया है और इसी तारतम्य में कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो, उसमें आमजन की सहभागिता हो, सब लोगों का योगदान हो,
तो एक रथ निकले हैं, जिले जिले जाएंगे, इस रथ के माध्यम से लोग अपने सुझाव देंगे, भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है इन सुझाव पर अमल किया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश जब 2003 में हमको मिला था तब बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में मिला था। उस भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू मध्य प्रदेश से थोड़े से मध्य प्रदेश को बीमारी के धब्बे से बाहर किया और मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। 2008 से 2013 के बीच में मध्य प्रदेश की जो जनभावनाएं थी उनका संकलन करके उनके अनुसार हमने डेवलपमेंट किया। हमने सिंचाई के आधार को बढ़ाया, हमने सड़कों को बढ़ाया, हमने किसान को तरजीह दी, हमने बंद उद्योगों को चालू की, हमने अंधेरे मध्य प्रदेश को रोशन किया। अब 2018 से जो है 2023 का जो हमारा मध्य प्रदेश है वो समृद्ध मध्य प्रदेश होगा। इसमें हर नागरिक के पास वो मूलभूत सुविधाएं होंगी जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए उसके संविधान में उसको अधिकार है। और इसलिए जो समृद्ध मध्य प्रदेश होगा अर्थात हिंदुस्तान का जब दिल मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान विकास की बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ विधायकों के कार्यों से नाखुश बीजेपी कार्यकर्ता इस बार पूर्व विधायक को टिकट न देने का सुझाव लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बेरसिया से आए बीजेपी के कार्यकर्ता विष्णु खत्री को इस बार टिकट न देने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है और ना ही अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने आते हैं। बेरसिया में जनता समस्या से जूझ रही है और विधायक जी नदारद हैं। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा की है, चुनाव की घोषणा ही मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने कहा है समृद्ध मध्य प्रदेश, भविष्य का संदेश समृद्ध मध्य प्रदेश। आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। कुछ कार्यकर्ता यहाँ हालांकि नाराज भी हैं जो चाहते हैं कि कहीं के विधायक चेंज हो, जैसे बैरसिया के विधायक खत्री जी हैं उनको चेंज करने के मूड में भी आए, उनको टिकट ना मिले, वो दूसरे के समर्थन में है। आप देख सकते हैं ये भीड़ है। हम आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या चाह रहे हैं वो, अब क्या चाह रहे हैं। विष्णु खत्री जी 5 साल से हैं, आज तक किसी पब्लिक से संपर्क भी नहीं करते हैं न किसी से मिलते हैं। हमको स्थाई चाहिए, जो पहले थे ब्रह्मकर रत्नाकर जी वही आज हमको चाहिए पब्लिक के लिए विधायक। वर्तमान मांगे विधायक चाहिए जो ऐसा चाहिए जो हमारे साथ खड़े हो हमें लेके चले, हमें कार्यकर्ताओं का साफ कहना है खत्री जो है काम नहीं कर रहे हैं और जो पहले विधायक थे उन्होंने बहुत कुछ काम किया है तो वो विष्णु खत्री जी के खिलाफ उनको टिकट ना मिले इसके खिलाफ में आए। और बताइए क्यों नाराज हैं आप लोग? नहीं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो स्थानीय नेता चाहिए इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। अपन ये चाहिए जो हमारे लिए खड़ा रहे, हमारे विकास के लिए खड़ा रहे। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो बेरसिया को भूल जाए। पिछले 4 सालों से हमने विधायक साहब की शक्ल नहीं देखी है। अभी के टाइम जब चुनाव का टाइम करीब आया है तो शक्ल दिखाई दे रही है। पिछले 4 सालों से हमारे मोहल्ले हमारे वार्ड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। हमारी मांग स्थानीय है, स्थानीय ही रहेगी। हमें विधायक चाहिए, हमारा धरना चाहिए। बैरसिया से लोग मांग कर रहे हैं कि दूसरे विधायक को इस बार दूसरे लोगों को चांस दिया जाए, दूसरे को टिकट दिया जाए, विष्णु खत्री को टिकट न दिया जाए। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर शिवराज सरकार को घेरा। 40 दिन 40 सवालों की श्रृंखला के पहले दिन कमलनाथ ने मोदी सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार एक आदमी के इलाज पर केवल 716 रुपये खर्च करती है जो GSDP का मात्र 1.04% है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संसद में 31 जुलाई 2018 को एक प्रश्न के जवाब में दी गई प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ट्विटर पर दी। PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर मोदी सरकार की जुबानी शिवराज सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए 20 अक्टूबर से 40 दिन में 40 सवाल करने का ऐलान किया था। पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था के 12 बिंदुओं को उजागर किया गया। कमलनाथ ने ट्वीट में कहा कि शिवराज सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती तबीयत पर मोदी सरकार ने सवाल खड़ा किया है। संसद में दिए गए लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी व अन्य खामियों को बताया है। उन्होंने ट्वीट में शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हार की कगार पर मामा सरकार।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मारवाही से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मारवाही से विधायक व उनके पुत्र अमित जोगी इस बार मानवेंद्रगढ़ से अपनी दावेदारी करेंगे। जोगी ने पहले राजनांदगांव से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बाद में बसपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने कहा कि वे चुनाव में नहीं उतरेंगे। अब एक बार फिर से जोगी का नया दाव सामने आया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अजीत जोगी ने राजनांदगांव से चुनाव न लड़ने का फैसला गठबंधन धर्म का पालन करते हुए लिया था, पर मारवाही वासियों का बड़ा दबाव है कि मारवाही से अजीत जोगी का विशेष लगाव है। अजीत जोगी के इस निर्णय से एक बार फिर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चा प्रारंभ हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा कि राजनांदगांव सीट मुख्यमंत्री के लिए छोड़ने के कारण जोगी ने इस राजनीतिक ड्रामे की पटकथा लिखी थी। मारवाही से चुनाव लड़ने की घोषणा से साबित हो गया कि वह भाजपा की बी टीम में है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आनंद जी की चर्चा हमेशा इसलिए होती है कि सावधानी कोचिंग के संचालक हैं, नए विद्यार्थियों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अभी आनंद की चर्चा है नशे के खिलाफ एक अभियान को लेकर। क्या है अभियान, पहले तो ये बताइए। हमेशा जहाँ भी आनंद सावधानी का नाम आता है तो सब लोग, जो आपने बोला वैसे ही मुझे जानते हैं कि एक वो व्यक्ति जो लोगों को रोजगार तक पहुँचाता है, लेकिन कुछ समय से मेरा नाम बदनाम भी हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ कि नेतागिरी का भूत तो नहीं चढ़ा। कि मैं आपके चैनल पे आज पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पे बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी आनंद सावधानी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ेगा न किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा। ड्रग मिलाए जाते हैं हुक्के में और पिलाए जाते हैं, ये सच है? ये 100% सच है। हुक्के की आड़ में लड़खड़ाता यौवन, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं शिक्षाविद आनंद सावधानी से, जिन्होंने एक अभियान चलाया है हुक्के के खिलाफ। मुझे नशे से आपत्ति नहीं है, नशा जो करता है वो तो खराब है ही चीज, लेकिन ये हुक्का का जो नशा है वो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। आप देखें हुक्के में कोई 40 साल का 50 साल का व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, 14 साल से 18 साल या 14 15 16 17 साल के बच्चे मिलते हैं। बेबाक बात सिर्फ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दखल न्यूज में। जगह जगह से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। छतरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की मीटिंग के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है, तो मुंगावली में नेताओं के नाम की लिखी शिलापट्टी खुली पड़ी है। छतरपुर में जहां बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की मीटिंग रखी गई थी, इस बैठक में जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजरों को बुलाया गया था। इस मीटिंग में जो पैम्पलेट बांटे गए उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो थे, जिसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इस प्रचार सामग्री से एक पार्टी की जानकारी प्रचारित प्रसारित की जा रही है। जब इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की गई तो वह टालमटोल करने लगी। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है कि यह प्रचार की सामग्री पहले की है जिससे बांटा गया है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। प्रचार प्रसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में था कि अपन को बेटियों को कैसे बचाना है। चुनाव विभाग ने मतदाता जागरूकता स्वीप एक जारी किया है, मेरे पास आधार पे 23 तारीख को हमारी है, उसी के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया ताकि सबको पहले से बता दिया जाए कि निर्वाचन की क्या प्रक्रिया रहेगी और हमें क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ पर है उनको मालूम है कि हमारा जाना तय है और वो साम दाम दंड भी तरीके से इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। हम आदर्श आचार संहिता का जो इन्होंने उल्लंघन किया है, हम चुनाव आयुक्त से मांग करेंगे कि उनको तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जाए। वही ऐसी ही खबर अशोकनगर के मुगावली से आ रही है, जहां अधिकारियों की लापरवाही से सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है।
मोगावली में शहीदों के पैडल स्टैंड पर तो अधिकारियों की नज़र पहुंच गई और उसे ढक दिया गया, लेकिन निर्माण कार्यों की शिलापट्टियों पर अंकित नेताओं के नाम अधिकारियों को नज़र नहीं आए। मोगावली नगर परिषद की CMO और प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर एवं पार्टियों के झंडे तो निकलवा दिए। नगर के बीचों बीच स्थित अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पैडल स्टैंड को भी कागज से बंद कर दिया गया, लेकिन जगह जगह लगाई गई शिलापट्टियां आज भी नेताओं के नामों को रोशन करती नजर आ रही हैं। जब इस मामले में SDM एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी RA प्रजापति से बात की गई तो उनका कहना था कि अधिकांश जगह लगी शिलापट्टियों को ढक दिया गया है। अधिकांश शिलापट्टिका पर हमने कागज वगैरह लगवा दिए हैं, तो किसी मोहल्ले में रह गई तो हमारी नॉलेज में आएगी लगवा देंगे। वैसे हम CMO से बोल रहे हैं कि कोई छूटे नहीं, कोई ऐसी पट्टिका रह जाए जिस पर किसी का नाम प्रदर्शित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्देश दिए हुए हैं, हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। आपको भी नॉलेज में कहीं आए एक बार आप हमें बता सकते हैं, टेलीफोन से ही बता सकते हैं, तत्काल उसको बता। शिवराज सिंह के सिंघमों ने दशहरा समारोह देखने गए वकील की जमकर पिटाई की। रीवा में कई पुलिस वालों ने एक वकील पर पिल पड़े। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, पुलिस ने चुप्पी साध ली है। यह शख्स कोई गुंडा नहीं है, यह एक वकील है, लेकिन पुलिस इसको इस तरह पीट रही है जैसे कोई बड़ा अपराधी हो। रीवा में NCC ग्राउंड में दशहरे का कार्यक्रम देखने आए वकील अनुज त्रिपाठी, इनके साथ ऐसी घटना घटी जो कि बड़ी ही दर्दनाक है। कल यह NCC ग्राउंड में VIP पास लेकर अंदर कार्यक्रम देख रहे थे। इनके कोई मित्र बाहर थे, गेट के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे और उनके पास भी VIP पास था, जिन्हें बुलाने के लिए अनुज कुमार त्रिपाठी गेट के पास पहुंचे। यहीं अनुज की पुलिस से कहा सुनी हुई और पुलिस बहशीपन पर उतर आई और जमकर अनुज की पिटाई लगाई। बातचीत कुछ नहीं थी, VIP पास मिले हुए थे हमें मित्रों से जी। उसमें हम अंदर गए हुए थे जी। चूंकि मैं पहले से अंदर था, कुछ हमारे साथ के मित्र बाहर रह गए थे जी। उनको मैंने अंदर बुलाने का प्रयास किया था गेट के पास जी। गेट के पास लगभग 15-20 पुलिस वाले रहे होंगे वहाँ पर जी। और उन्हीं के बातचीत में भाई कि हमारे साथी जो बाहर हैं उनको जी, भी अंदर आने दीजिए, गाली गलौज कर दी। हमने आप शब्दों का प्रयोग मत करिए, आपके सभी यहाँ पे, मैं चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ जी जी जी, और आपको बता दूं कि लगभग 128 बार मैं खून दे चुका हूँ जी। हाँ, मध्य प्रदेश में मेरा एक नंबर में नाम है जी जी। तो वो बात माने नहीं, अचानक जब कोई भी जो भी बात उनको लगी हो उन्होंने मार पिटाई चालू। जब वहाँ मार रहे थे तब तो उस समय नहीं था, लेकिन बाद में जब मुझे बाहर ले जाया गया तब कहीं चाकू से मेरे ऊपर हमला किया गया। न्याय से विश्वास नहीं उठना चाहिए, इसकी जो है प्रॉपर वे में जाँच की जाए और इसमें उचित कार्रवाई की जाए। अनुज बताते हैं कि उनकी पिटाई करने के बाद पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए और मेडिकल भी कराया, जिसने अल्कोहल की मात्रा भी जीरो निकली। पुलिस ने झूठा आरोप लगाया कि हम शराब पिए हुए थे। पुलिस की इस गुंडागर्दी के बाद आला अधिकारियों ने इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कांग्रेस से बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके छविंद्र कर्मा को समाजवादी पार्टी ने दंतेवाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले छविंद्र कर्मा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने छविंद्र की जगह उनकी मां देवती कर्मा को ही रिपीट किया था, जिसके बाद नाराज होकर छविंद्र कर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दखल न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए दखल के साथ, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।